छह मानसून के बाद बने सिस्टम से समय समय पर हुई अच्छी बारिश में इस बार धान की अच्छी पैदावार भी हुई, लेकिन दीपावली के पहले ही धान की फसल पककर खलियानों तक पहुंच चुकी है। ज्यादातर किसानों के धान मिसाई होने के बाद घरों में रख दिए गए हैं, पर सरकार की ओर से अब समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने की तिथियां घोषित न होने की वजह से किसानों के चेहरे पर मायूसी है। किसानों को उम्मीद थी कि हर साल की तरह इस वर्ष भी 1 नवंबर से धान खरीदी होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी तो बहुत दिक्कत है, वही एक महीना लेट से खरीदी हो रहा है, तो अभी लाके मिसेंगे, फिर घर में फिर रखेंगे, उसके बाद फिर ले जाएंगे, वो इस समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। कितनी दिक्कत हो रही है अभी? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, क्या है कि भाई फसल मिसेंगे तो फिर फसल को वो अंदर करेंगे, उसके बाद में एक महीने के बाद में ही बिकेगा, तो हमको बहुत ये परेशानी जा रहा है। हम लोग पूरा तैयारी कर चुके हैं, हमालों का व्यवस्था है, नमी मापक यंत्र है, कंप्यूटर प्रिंटर, जो भी प्रारंभिक तैयारी है वो हम लोग कर चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता विप्लव गुप्ता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विप्लव, आपसे जानना चाहेंगे कि हर बार किसानों को ही क्यों मार झेलनी पड़ जाती है, क्योंकि कभी मौसम की मार झेलनी पड़ जाती है, कभी अधिकारी इस बीच में आ जाते हैं, लेकिन अब जो सीधी मार झेल रहे हैं किसान वो सरकार की तरफ से, क्योंकि तारीख जो है वो सरकार ने तय नहीं की है। नहीं, तारीख जो है सरकार ने अभी तक तय नहीं की, मतलब तारीखों को बढ़ा दिया गया है। 1 दिसंबर से धान खरीदी करने का ऐलान किया है राज्य सरकार ने, लेकिन पिछले बार तक जो 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाती थी और लगभग धान की कटाई भी 1 नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाती थी, और नवंबर माह में सबसे ज्यादा धान जो किसानों के धान है वो सबसे ज्यादा मंडियों तक, खरीदी केंद्रों तक पहुंचते थे। नवंबर माह त्योहारों का माह होता है, उस समय किसानों को पैसे की भी जरूरत होती है, तो उनके हाथ में पैसे भी होते थे, व्यवहार भी उनके अच्छे से जाते थे। लेकिन इस बार जो धान खरीदी विलंब हुई है 1 माह से, उससे सबसे बड़ी दिक्कत तो किसानों को ये हो रही है कि जब उनके धान सूख चुके हैं खेतों में, तो उनको काट के उनका रख रखाव करना, उतनी जगह नहीं होती उनके पास, गोदाम नहीं होते उनके पास उनको सही से रखना, और जितने दिन धान खरीदी लेट होते जा रही है उसका जो नुकसान है आर्थिक रूप से वो किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर इस बात को समझा जाए तो लगभग कितना नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है? देखिए, किसानों को नुकसान तो उनकी फसल जो है उसी में उठाना पड़ेगा, लगातार वो फसल को मान लो काट कर घर पे रखते हैं तो बारिश भी हो सकती है, चूहों की समस्या है, रखने की समस्या है, बोरों की समस्या है, और जितने दिन धान जो है उनके घर में रखा रहेगा बिना उनके कीमत के मिले, उसका रख रखाव करना, सारी चीजों की जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो किसानों को खुद से करने पड़ेगी। परेशानियां किसानों की हो गई, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर क्या वजह है जो सही तारीख मुकर्रर अब तक नहीं की गई है? अब ये तो शासन की तरफ से ही उन्हें मतलब शासन ही जो है इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि लगातार धान खरीदी जो है वो 1 नवंबर से प्रतिवर्ष चालू हो जाती थी, लेकिन इस बार उसको जो है 1 माह बढ़ाना जो है, और उसके बाद शासन की तरफ से निर्देश भी स्थानीय मंडियों को दिया गया है कि 20 नवंबर तक जो अपने धान खरीदी केंद्रों की तैयारियां स्पष्ट रूप से पूरी कर ली जाए, 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है, लेकिन मंशा शासन की चाहे जो भी हो, लेकिन इसका पूरा जो नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस संदर्भ में जो संबंधित अधिकारी हैं, क्या उनसे भी आपने तर्क जानने की कोशिश की कि आखिर अगर समय लगेगा भी तो और कितना लगेगा? स्थानीय अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से शासन जो केंद्र राज्य शासन है उसके निर्देश पे काम कर रहे हैं, और स्थानीय जो अधिकारी उनका यही कहना कि राज्य शासन की तरफ से निर्देश है कि इस बार 1 नवंबर से नहीं 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी, जो कि 1 महीना लेट है, तो उनकी मजबूरी है कि उनके निर्देशों पर काम करना, लेकिन ऊपरी स्तर ऊपर के लेवल पे शासन स्तर पे ऐसा निर्णय क्यों किया गया है कि धान खरीदी जो है वो 1 माह लेट से शुरू हो, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि इसका पूरा जो नुकसान है वो किसानों को होना है। शायद शासन की आर्थिक व्यवस्था जो है उतनी सुदृढ़ ना होने के कारण जो है ये धान खरीदी विलंब से की जा रही है। जो सरकारी कामकाज हैं उनमें लेट लतीफी हो सकती है, उसके एक अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करना भी प्रशासन का ही काम है, तो ऐसे में क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था
करने कोई वैकल्पिक कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि लगातार प्रतिवर्ष शासन जो है समर्थन मूल्य पे किसानों की धान खरीदी करती है और प्रतिवर्ष जो है इसका चूंकि किसानों की जो फसल है वो 1 नवंबर तक तैयार हो जाती है कट जाती है जो अवन सामान्य दिनों वैसा ही इस साल हुआ तो इसकी 1 नवंबर से जब खरीदी शुरू हो जाती थी तो किसान अपने धानों को खेत से काट कर उसकी साफ सफाई करके और उसे मंडियों तक पहुंचा देते थे और अपनी फसल की कीमत प्राप्त कर लेते थे। लेकिन इस बार राज्य शासन के द्वारा जो है खरीदी को 1 महीना जो विलंब किया गया है किसानों पर पड़ा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।